हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? रूल्स देखे थे कंपोजिट फंक्शंस के पीरियडिसिटी के लिए, है ना। मतलब ये अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है तो एक ही याद रखना, अगर अंदर वाला पीरियोडिक है तो फंक्शन पीरियोडिक है, और अंदर वाले का जो पीरियड रहेगा वही उसी का पीरियड रहेगा। मतलब पी है इसका पीरियड अंदर का, तो पूरे फंक्शन का पीरियड भी पी ही रहेगा, समझ गए। एक होता है फिर बाहर का पीरियोडिक रहना या बाहर का पीरियोडिक नहीं रहना, समझ रहे हो। हमने क्या बोला अभी, अगर अंदर वाला पीरियोडिक है तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक है, बाहर का पीरियोडिक हो या ना हो, समझ रहे हो। अब आगे अगर बाहर का पीरियोडिक हो, बाहर का पीरियोडिक हो और अंदर का पीरियोडिक ना हो, तो उसकी दो कंडीशंस। अगर अंदर वाला आपका लीनियर हो तो पीरियड क्या बन जाएगा, जो फंक्शन एफ का पीरियड था अपॉन एक्स का कोशेंट, ये हम देखे थे कब, अगर बाहर का पीरियोडिक हो तो, पीरियोडिक हो तो ठीक है, और बाहर का पीरियोडिक ना हो, अंदर का भी पीरियोडिक ना हो, अंदर का भी पीरियोडिक ना हो, तो एज ऑब्वियस पीरियोडिक होगा ही नहीं ना, नॉट पीरियोडिक। तो सिर्फ आपको दो ही कंडीशन याद रखनी है, क्या क्या अंदर वाला पीरियोडिक है तो पूरा पीरियोडिक है विद पीरियड पी, जो अंदर वाले का पीरियोडिक है पीरियड है, और बाहर वाला पीरियोडिक है, अंदर वाला नहीं है, बाहर वाला है अंदर वाला नहीं है, तो वो लीनियर होना चाहिए तो ही पीरियोडिक होगा, नहीं तो फिर तो होगा ही नहीं। तो ये तीन कंडीशन हमारे मेन है। सॉरी, इसी के लिए हमने क्या रूल्स लिखवाए थे। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैंने पहले बताया था हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक्सेप्शन भी बहुत है, तो समझना पड़ेगा आपको। अब एक्सेप्शन के लिए कैसे समझोगे, देखो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, साइन ऑफ साइन एक्स का क्या आएगा। देखो बाहर वाला पीरियडिक होना हो हमको टेंशन नहीं, अंदर का पीरियडिक है तो पूरा पीरियडिक हो जाएगा विद पीरियड, हमने क्या बोला अंदर वाला 2π, तो सही है, ठीक है। लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, बाहर वाला पीरियडिक है कि नहीं है टेंशन लेना नहीं है हमको, अंदर वाला पीरियडिक है तो ये पूरा फंक्शन लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा, पीरियडिक होगा विद पीरियड, अंदर वाले का जो पीरियड है क्या है फ्रैक्शनल पार्ट का 1, तो लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इट इज अ पीरियडिक विद पीरियड, पीरियड 1, समझ में आ रहा है। ये फर्स्ट एग्जांपल लिया, सेकंड एग्जांपल लिया, आप चाहे जितने ले लो, आप चाहे जितने ले लो। अगर मैंने ऐसे लिया साइन ऑफ टैन एक्स, तो ये पीरियडिक होगा क्या, ये पीरियडिक होगा क्या, पीरियडिक होगा क्योंकि अंदर वाला पीरियड पीरियडिक है, तो पीरियड क्या हो जाएगा, जो अंदर वाले का पीरियड है क्या, क्या है अंदर वाले का पीरियड, टैन पता है ना पाया होता है पीरियड, टैन कॉट का पाए, बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है साइन कॉस एक कोस एक उसका 2π, ठीक है। फोर्थ, हम अगर ऐसे ले ले तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर हमने साइन एक्स डाल दिया, ये भी ना ये बाहर का एफ ऑफ एक्स हुआ, ये अंदर आपका जी हुआ, हमको बाहर से देखना ही नहीं है अंदर का देखना है, अंदर वाले का वो पीरियोडिक है तो पूरा पीरियोडिक है विद पीरियड 2π, समझ रहे हो, कंपोजिट फंक्शन हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये तो कुछ एग्जांपल ले लिया हमने, बट अब देखो एक्सेप्शन डिस्कस करते हैं। हमने अभी बताया था साइन ऑफ साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2π, बट फिर उसी तरीके से अगर मैंने कॉस ऑफ साइन एक्स लिया तो आप क्या कहोगे, अंदर वाला पीरियोडिक है तो अंदर का जो पीरियड है वही आना चाहिए 2π, ये रॉन्ग है, इसका पीरियड आता है 5, समझ रहे, ठीक है। आप अगर आप बोलोगे कैसे आया ये, कैसे क्या 2π नहीं आएगा पाए आएगा, फिर तो रूल फेल हो गया। हाँ तो हो ही गया, वही हम बोल रहे हैं ना, हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है ये, सिर्फ गाइडिंग रूल्स है, एक्सेप्शन भी बहुत होंगे। अब वो पाए क्यों आया, इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो फिर। देखो ये याद रखना हमको कि पीरियोडिक फंक्शन हमने क्या बोला था कि कोई एफ ऑफ एक्स है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो भी इसका डेफिनेशन होगा उससे हमको लेना देना नहीं। अगर इसमें मैं कोई पीरियड ऐड करता हूँ तो सेम वापस से वही आ जाता है, मतलब कुछ नंबर ऐड कर दो या कुछ ऐड कर दो एक्स में तो वही इनपुट दे देता है, मतलब एफ ऑफ एक्स वापस आ जाता है। जैसे हम इवन ऑड में देखते थे ना, एक्स की जगह -6 रखा तो क्या आ रहा है, उस पर हम इवन ऑड डिसाइड करते थे उस टाइप से। तो अगर मैंने साइन में एक्स में 2π ऐड किया तो फिर से साइन एक्स आ जाता है,
इसलिए हमने बोला था साइन का जो पीरियड है वो 2 पाई है। सब्सट्रैक्ट भी करोगे तो वापस से वही आएगा, एड सब्सट्रैक्ट नहीं, मॉड पी मतलब ये एड करो या सब्सट्रैक्ट करो। टैन में भी आप एक्स में कुछ एड सब्सट्रैक्ट करोगे, मतलब पाई की वैल्यू। मॉड इसलिए लिया है मैंने कि प्लस करो माइनस करो वापस से टैन ही आ जाता है, इसलिए हमने बोला था जो पीरियड है टैन का वो कितना है, पाई है। पीरियड का मतलब हम बोलते हैं, मैंने हमेशा बोला है फंडामेंटल पीरियड। 2 पाई भी ऐड करोगे, 3 पाई भी ऐड करोगे, 4 पाई भी ऐड करोगे तो टेन ही आने वाला, ठीक है। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ योर फंडामेंटल पीरियड ऐड करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे तो वही आता है वापस। इन शॉर्ट हमको ये बोलना है, ठीक है। तो जब हम कॉस ऑफ साइन एक्स की बात कर रहे हैं, ये हमको पता है अंदर वाला पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक तो रहेगा पूरा का पूरा फंक्शन, बट पीरियड गाइडिंग रूल से 2 पाई ना आते हुए पाई क्यों आए? तो समझो, इसको अगर मैंने एफ ऑफ एक्स कंसिडर किया है, समझ रहे हो, तो मेरा एक्स प्लस 2 पाई वापस से एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। क्यों? अगर अगर आपने बोला है 2 पाई पीरियड है तो, फंडामेंटल पीरियड है तो, क्योंकि इससे छोटा नहीं आएगा, मतलब फंडामेंटल पीरियड की बात चल रही है, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। देखो समझो, हाँ क्या समझाने की कोशिश करो, अगर मैंने कॉस ऑफ साइन में एक्स की जगह पे एक्स प्लस 2 पाई रखा तो वापस से साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई आएगा साइन एक्स, तो ये तो बन जाएगा अपना काम हो गया। आ गया ना, आ गया ना, ये सेटिस्फाई हो रहा है ना। मतलब हम बोलेंगे 2 पाई इज पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। पर हमको एक और चेक करना है, इससे छोटा वाला है, आधा ही करना, वैसे तो जनरली आधा ही करते। पाए रखू तो तब भी सेटिस्फाई होता है क्या? पाए रखू तो सेटिस्फाई होता है। देखो साइन ऑफ एक्स माइनस पाए करो या पाए माइनस एक्स करो या पाए प्लस करो, कुछ भी चलता है। मैंने पाए ऐड कर दिया तो क्या आएगा? कॉस ऑफ, बताओ अगर साइन ऑफ पाए प्लस एक्स कितना होता है? माइनस साइन एक्स होता है, सही है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे। कॉस ऑफ इसको थीटा कंसिडर करो तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। मतलब पाए करूं तब भी वही आ गया, सेटिस्फाई कर दिया ना उसने, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो पाई हम बोल देंगे ना फंडामेंटल पीरियड है, हाँ कि ना। अब यही केस फिर आप बोल रहे हो, चलो मतलब ये पीरियड कितना हो गया? पाई हो गया पीरियड, ठीक है। अब ये बोल रहे हो फिर पाई बाय टू भी करके देख लो, पाई बाय टू भी करके देख लो, मतलब जो हमारा कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू करो तो यह आएगा कॉस ऑफ, अंदर साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स कितना होता है? कॉस एक्स हो जाता है। ये तो फंक्शन ही बदल गया, फंक्शन तो आपका क्या था? कॉस ऑफ साइन एक्स था, फंक्शन चेंज, फंक्शन ही चेंज हो गया, तो ये तो बनेगा ही नहीं फिर तो, सीधी सीधी बात। तो सबसे छोटा क्या बना? फिर पाई बना, आगे ना, समझ रहे हो। देयरफॉर पीरियड ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स इज पाई, एक्सेप्शन बन गया। तो देखो वो सिर्फ गाइडिंग रूल्स है, बट रूल लगाने के बाद में भी आपको कंफर्म करना है उससे आधा, उससे छोटा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इतना तो मिल ही जाएगा आपको गाइडिंग रूल से, गाइडिंग रूल से इतना तो मिल ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन, वैसे तो आएगा नहीं इतना सिंपल, अगर यही क्वेश्चन एमसी के लिए पूछा जाता और बोला रहता कि फाइंड द पीरियड, पीरियड पूछा जाता और क्वेश्चन आंसर्स में ऐसा रहता, ए पाए है, बी 2 पाए है, सी 3 पाए है और डी 8 पाए है, तो आपको ये तो पता है कि अंदर वाले का 2 पाए आता है, पीरियड के 2 पाए आता है, तो इससे ज्यादा वाला तो नहीं लोगे आप, इससे ज्यादा वाला तो नहीं लोगे, समझ रहे हो। फंडामेंटल पीरियड निकालना है आपको, आप ये वाले तो गए गए, सिर्फ आपको पाई के लिए ट्राई करके देखना है फिर तो, अगर हुआ तो वो आंसर, नहीं हुआ तो फिर 2 पाए तो आंसर है, समझ लो। ऐसे नहीं कि बस आंखें बंद करके कर दिया चले भागे आगे, हाँ चेक करना है क्योंकि ये गाइडिंग रूल्स, समझ गए। चलो अब अगर सेम केस अगर हम देखें तो एग्जांपल, फिर से एक नया एग्जांपल, नया एग्जांपल फिर से, अगर मॉड ऑफ साइन एक्स हो,
इसका पीरियड क्या आएगा? देखो मॉड जो फंक्शन है, मॉड वो एफ हो गया आपका, साइन जो हो गया वो जी बन गया, ठीक है ना? तो आप बोलोगे अंदर वाला है फंक्शन क्या पीरियोडिक, तो इसका पीरियड क्या हो जाना चाहिए जो साइन का है, पीरियड क्या आएगा इसका 2 पाई, जो कि साइन का पीरियड है ना? बट फिर से ये गलत, क्यों गलत? क्योंकि फिर से चेक करके देखो, आपका एफ ऑफ एक्स क्या बन गया है, मॉड ऑफ साइन एक्स। मैं अब इसमें अगर एक्स पाई पाई ऐड करो, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, तो क्या आएगा, मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई, तो आएगा माइनस साइन एक्स। अब मॉड होने की वजह से वापस से पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये साइन एक्स ही आने वाला है। तो फंक्शन बन गया ना आपका एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, प्रूफ कर रहा है मतलब ये पीरियड क्या हुआ आपका, पाई हुआ। तो इन शॉर्ट इसका पीरियड ये ना होते हुए पाई इज करेक्ट, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, क्लियर? अब उसी तरीके से आप एग्जाम्पल ले लो, मैं सिर्फ साइन साइन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लेना, अकॉर्डिंगली निकालते बैठना। साइन स्क्वायर, तो याद रखना है साइन स्क्वायर मतलब ही आपका मॉड ऑफ साइन एक्स होता है, एक ही बात है। नहीं समझ में आया आपको, ये नहीं समझ में आ रहा, फिर से आप स्क्वायर करोगे ना, जैसे मॉड हो रहा था तो आपका एफ ओफ एक्स क्या बनेगा, देखो यहाँ पे एफ ओफ एक्स क्या बनेगा आपका, साइन एक्स का स्क्वायर, ये ब्रैकेट है, चाहो तो सर्कल बनाता, नहीं तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर सोचना शुरू कर दो। बताया मैंने, जब तक भी स्क्वायर ब्रैकेट दिया और बाद में साइड में ना दिया हो कि दिस शोज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तब तक के उसको ब्रैकेट ही कंसीडर करना है। फिर से अगर आप पाए रखोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो साइन एक्स हो जाएगा, तो इसका पीरियड कितना होने वाला है, पीरियड पाए होने वाला है, समझ गए? देखा जाए तो ये भी कंपोजिट है, ये अंदर जी, ये बाहर एफ स्क्वायर वाला, समझ रहे हो, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, तो 2 पाई नहीं आएगा इसका, पाई आएगा, क्लियर? पाई आ गया पीरियड, ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट फिर से एग्जांपल और कोई लेते हैं हम, तो हाँ, और जब भी आपको, मैंने पहले भी बताया है, ऐसा आ जाए रूट ऑफ साइन स्क्वायर या रूट ऑफ कॉस स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, टैन स्क्वायर, जो भी आ रहा है, तो हमेशा उसको मॉड ऑफ साइन एक्स लो, ये साइन एक्स नहीं आएगा। मैक्सिमम बच्चे इसको ऐसा कर देते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट साइन एक्स, दिस इज रॉन्ग, मॉड लो, मॉड याद रखना है, हमेशा याद रखना है मॉड लो। फिर रेसिप्रोकल लोगे तो उसका मॉड आएगा, अगर समझो ये 1/2 में होता तो वो मॉड ऑफ कोसेक बनता फिर, ठीक है? पर मॉड तो जिंदा रहेगा, ठीक है? तो बताओ फिर से पीरियड क्या आएगा इसका, पाई ही आएगा, नहीं तो बच्चे बोलेंगे ये साइन एक्स है, साइन एक्स का तो 2 पाई आता है, तो फिर ये फिर से रॉन्ग है ना? तो थोड़ा सोचना है, ऐसे नहीं कि धनाधन शुरू हो जाना है सॉल्व करते वक्त, सही है? चलो और कर लेते हैं, देखो थोड़े से एक्सेप्शन किसी और साइन कॉस के लिए ले लेते हैं, फिर से एग्जांपल हमारा फर्स्ट ऐसा मानते, ये साइन एक्स और कॉस एक्स, ये आपका एफ है, ये आपका जी है, इन शॉर्ट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ऐड करोगे आप, तो चलो एफ प्लस जी मतलब ही क्या हुआ आपका, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्सेप्शन केसेस जो हमने अभी तक रूल देखे, अभी तो कंपोजिट फंक्शन का हो गया हमारा, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा, बट इतना तो हम समझ सक रहे। चलिए क्या आया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसका कैसे निकालोगे आप? तो बहुत सारे बच्चों का फिर से वही चलता है क्या, कि साइन एक्स का 2 पाई आया, कॉस का 2 पाई आया, तो हमने अभी देखा था एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन होता था, एफ मतलब एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ बाय जी, अगर रहा तो हम क्या करते थे, एलसीएम ले लेते थे, एलसीएम ले लेते थे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एलसीएम से हो ही जाएगा, है ना? वो कंफर्म करके देखना पड़ेगा आपको,
कैसे कंफर्म करेंगे? तो इसके दो तरीके, एक तो आप किसी एक इसमें कन्वर्ट कर लो, तो सबसे सिंपल जैसे साइन और कॉस हुआ, तो साइन में कन्वर्ट कर लो या कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो सबसे सिंपल अगर कर सकते हो तो एक इसमें। फिर वो लोग ये कैसे समझ में आएगा करना है करके, वो तो प्रैक्टिस से होगा। मैंने रूट रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये ऐसा आ जाएगा, आ जाएगा। पहले तो मैं एक थोड़ी लेंथी स्टेप बता रहा हूँ आपको, ये ऐसा आ जाएगा। इसको मैं कॉस पाई बाय फोर लिख सकता हूँ, इसको साइन पाई बाय फोर लिख सकता हूँ, ये कॉस एक्स आ गया आपका। सही है, अंदर वाला फॉर्मूला किसका है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय फोर आ गया। समझ रहे हो? अब मुझको पता है ये एक्स की जगह, मतलब एक्स में कुछ भी रखो कुछ ना कुछ एंगल आएगा, तो साइन ऑफ हमने देखा था ना अभी, साइन एक्स का क्या आएगा? देखो साइन एक्स का देखा था हमने, क्या था साइन एक्स का पीरियड 2 पाई। अगर एक्स में कुछ ऐड किया जाए तो कुछ चेंज होता है क्या? नहीं होता है, पीरियड वही होता है। पूरे फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया जाए तो कुछ होता है क्या? नहीं, पीरियड वही होता है। इन शॉर्ट पीरियड कितना बन गया? 2 पाई ही बन गया। समझ रहे हो? तो यहां से ही आप बता सकते थे पीरियड 2 पाई। वैसे भी हम एलसीएम से तो देखे थे 2 पाई 2 पाई, इसका एलसीएम क्या होगा आपका 2 पाई का, 2 पाई ही होगा ना। समझ रहे हो? ये मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको, उसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, बट सब्सट्रैक्शन होगा तो यही फॉलो होगा क्या? ये भी तो देखना है हमको, सब्सट्रैक्शन होगा तो यही फॉलो होगा क्या? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो अब मैं दूसरी मेथड से इसको एक्सप्लेनेशन करके दिखाता हूँ। प्लस करोगे तो क्या करो, रख के देखो, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई अगर ऐड कर दो, मतलब 2 पाई से कम होने वाला है क्या? हम ये देख रहे हैं, माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई ऐड करो, तो वही से यही फिर से फंक्शन बनता है कि हमको देखना है। ठीक है, ये हमने स्टार्ट किया, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये आएगा माइनस साइन एक्स माइनस, ये क्या आएगा आपका माइनस कॉस एक्स। हाँ कि ना, साइन चेंज होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी निगेटिव होता है, साइन भी निगेटिव होता है, तो ये आया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसको अगर माइनस कॉमन निकालू तो आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये तो माइनस एफ आपका फंक्शन हुआ ना, माइनस ऑफ फंक्शन हुआ ना, माइनस ये फंक्शन था, दिस इज नॉट इक्वल, बदल ही गया था ना, बाहर माइनस एक्स्ट्रा का आ गया कि नहीं आ गया, मतलब पाई आपका पीरियड नहीं हो सकता है, पाई आपका पीरियड नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? अब उसी केस में अगर मैंने साइन एक्स को रखू तो फिर से रख के देखते हैं, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई रखते हैं, प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई रख के देख रहे हैं कि पाई है क्या। हमको ये तो पता है 2 पाई 2 पाई एलसीएम 2 पाई होगा, 2 पाई से कम होने वाला है क्या, हम ये चेक कर रहे हैं। तो ये आएगा माइनस साइन एक्स, ये आएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉमन निकाल दिया जाए तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा, फिर से एक्स्ट्रा का आ गया 0, है ना, देयर फोर पाई इज नॉट पीरियड, है कि नहीं? ये भी वही था, देयर फोर पाई इज नॉट पीरियड। क्लियर समझ में आया? हाँ कि ना? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे साइन का। अब ये सिर्फ समझने के लिए ले रहे हैं, आपको रट्टा थोड़ी मारना है, तो समझना है। अगर प्रोडक्ट हो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का, फिर आप बोलोगे फिर से इसका 2 पाई है, इसका 2 पाई है, एलसीएम 2 पाई आएगा। बढ़िया, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है करके देखो, साइन एक्स कॉस एक्स, अगर मैं इसमें पाई रखू 2 पाई से छोटा तो कितना आएगा, एक्स प्लस पाई, यह आएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई, ये हुआ आपका माइनस साइन एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वापस से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया, मतलब आ गया ना सेम, तो पाई हो गया ना पीरियड, देयरफॉर पाई इज पीरियड। समझे? ये एक मेथड बताया मैंने आपको, रख के देखना पड़ेगा आपको, रख के देखना पड़ेगा। ये दूसरा हमने बताया, उसको एक इसके फॉर्म में देखो, मेथड वन। अब मेथड टू देखते हैं, एक इसके फॉर्म में अगर कर सको आप तो एक इसमें कर लो,
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2/2 से मल्टीप्लाई करके साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो। 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है आपका, sin 2x होता है अपॉन 2। मुझको बताओ साइन एक्स का क्या था, अब इसका देखेंगे हम पीरियड क्या है। साइन एक्स का पीरियड होता है आपका 2π। अगर मैंने एक्स को मल्टीप्लाई किया, एक्स को मल्टीप्लाई किया 2x, तो पाई जो पीरियड होता है उसको डिवाइड करना होता है 2 से, हाँ कि ना। 2 2 कट गया आपका पाई आ गया, 2 2 कैंसिल आ गया आपका पाई आ गया। और यहां से अगर आपने इसको पूरे इसको डिवाइड भी किया फंक्शन को, तो पीरियड में तो चेंज नहीं होता है, पीरियड क्या आ गया आपका, देयरफॉर पीरियड इज पाई। वही तो हम बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं ना, ये सेकंड मेथड हुई हमारी मेथड। समझे, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए समझने में, क्लियर। तो इन शॉर्ट हमने साइन कॉस वगैरह देखा है आपका, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सेम डिवीजन के लिए भी करोगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करोगे क्या आएगा, पीरियड पाई आएगा, वही पाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस साइन, ये माइनस कॉस माइनस माइनस कट जाएगा, जैसे प्रोडक्ट में माइनस इंटू माइनस प्लस हो, ऐसे डिवीजन में माइनस अपॉन माइनस कट के पॉजिटिव आता है, तो पाई आएगा इसका पीरियड। यहां पर एलसीएम नहीं ले सकते हो, तो ये एक्सेप्शन केस हुआ ना। हमने इसलिए बार बार बोला है दीज आर ओनली गाइडिंग रूल्स, गाइडिंग रूल्स ही है वो, कि यही होगा ऐसे ही होगा ऐसा नहीं हो सकता। कुछ बुक्स में बोला रहेगा कि ऐसा रहा तो ऐसा करना, ऐसे रहा तो ऐसा, वो सब फालतू है, फिर करके ही देखना पड़ेगा। और आपका अंडरस्टैंडिंग ही मेन है, और ये कैसे याद रहेगा, प्रैक्टिस, एक बार प्रैक्टिस करोगे। और ऐसा भी नहीं कि एक बार सॉल्व कर लिया तो भूल जाना है, बस 2 साल बाद ही करना है, ऐसा भी नहीं करना है। साल 2 साल बाद में एग्जाम के टाइम पे करोगे नहीं, उसको 1 मंथ में 2 मंथ में रिवाइज करते रहना चाहिए। इसलिए वीकली शेड्यूल भी बनाना चाहिए हमने, संडेज को या और कोई वीकडे को, कि आप उस वक्त रिविजन करो। ठीक है, क्लियर।